मैं सोचो कि बस को ड्राइवर वो है हाँ जहाँ मुझको ढिना दू अखीर मजा ए बोले भाई जी मैं टेम्पो को ड्राइवर हूँ मतलब आगे चला रही हूँ और पीछे से ठरको मारे हो गाड़ी अनकंट्रोल होगी ना ना श्रम को नहीं आया सरकार रोड पे चलाकड़ान जबात जो जो क्या कर लो रो बार रो बार गाड़ी पलटी खाएगी बस वाले में दबगी मैं भी दबूंगा मेरे भी लागे देखो मैं कैस कूं अरे मन मार रहा तो अरे पेंट रो मेरे कैमरा लाग रहे हैं बड़े चेक कर लियो और अति रफ चला रहे हो गाड़ी वालों और अति दूर का मान जा रहा हूं टेंपो रो पलटी खाड़ो हो गनीमत है कि कोई के जान माल की नुकसान को नहीं हुयो और स्पीड तो सर ट्रैफिक आज इतनो ट्रैफिक चल रहे और स्पीड कहां और स्पीड जब शानदार होगी प्रिपरेशन तभी तो होगा आपका सिलेक्शन। अगर आप भी कर रहे हैं किसी भी भर्ती परीक्षा की तैयारी तो उत्कर्ष लेकर आया शिक्षा महोत्सव जिसमें उत्कर्ष ऐप के सभी ऑनलाइन कोर्स पर मिल रहा है फ्लैट 78% डिस्काउंट NG13 कूपन कोड यूज करने पर 13% एक्स्ट्रा डिस्काउंट और साथ ही रक्षाबंधन की खुशी में अप टू 100% रिवार्ड पॉइंट जीतने का मौका। लेकिन याद रखना ऑफर सिर्फ 21 अगस्त तक ही उपलब्ध है इसलिए आज ही एनरोल करें और इसका लाभ उठाएं। एनरोल नाउ। नमस्कार राम राम रिपोर्टर दिलराज और फिलहाल अपनी लोकेशन है RTO चौराया कन है और इसका एक टेम्पो और बस की रोडवेज बस ही लग्जरी भी बोल सका है क्योंकि नयोड़ती जगह चल रही है वे आलीशान तरीकाओं चल रही है लेकिन बा खटन है खटे ई तरीकाओं चल रही का आम जन ने नुकसान है पहुंचायो ये टेम्पो है भी की टक्कर लगी कहीं पूरा मामलो है ग्रामीण सगड़ा बेड़ा हो रहा क्या सवारी भी है पूरा मामलो कहीं यो पूरी बात कहीं हुई कौन बैठे मौजूद है जी टेम भाई साहब अगर चोट भी लाग रही है और जखा घायल आपने हॉस्पिटल पहुंचा दियो है तो बा मत कीजो के पहली हॉस्पिटल पहुंचाया पहली ते वीडियो हाँ तो पूरी बात कहीं हुई मैं साहब उधर से आ रहा 5 सवारी मेरे टेम्पो में थी साइड से चल रहा था हाँ। ये पीछे से खींचा हुआ है मारवाड़ी में बता दो आपने पीछे से आए हो खींचेड़ो ही और मतलब आगे चला रहे हूँ और पीछे से ठरको मारे हो गाड़ी अनकंट्रोल होगी थे फीलिंग लेबल आ रहे हो मैं चला रही हूँ गाड़ी अनकंट्रोल होगी और बैलेंस को नहीं बने तो मैं सोचो गाड़ी रुक जाए रुके यहाँ 30 मिनट ठरको लागे गाड़ी पलटी खाएगी बस वरे में दबगी मैं भी दबूंगा मेरे भी लागे देखो बिल्कुल ए ऑटो का ये ड्राइवर है यार उठाए असवारे आप है मैं ये जस्ट मैं ले रही हो उठाए हुए हैं स्कूटी में आगे मैं स्कूटी में मैंने मार तो पेट्रोल पंप के अच्छा मैं जे स्कूटी पर नीचे उतार दी बिका बाद में एक मतलब 60 सेकंड हुई 60 सेकंड में हटिया तन टेम्पो के खड़ी करे और पहले मुकर उठावान एक बार लेडी जी दो लेडी जी हाँ और दो हाँ टाबरे एक छोटा जब जो जो क्या कर लो बार बार एक भी किसा के हो आदमी जब बिन मैंने तो बैठे टेम्पो हाँ मैं मुकर होश में ले जाऊन बात हुई पर आन श्रम को नहीं आया सरकार रोड पे चला गंडकड़ान तो क्यों पड़े मेरो है? तो नहीं ओवर स्पीड चल रहे हैं कहीं और मैं आप कह रहे हो कि मैं मेरी पूरी साइड में चल रहे हूँ मेरा वीट पेट्रोल पंप का कैमरा लाग रहे हैं कैमरा चेक कर लियो पूरा मैं स्कूटी पर हूँ मैं कड़े चल रहे हूँ मैं रोड का एक किनारा चल रहे हूँ तो तना स्कूटी हटे दिखाई मेरे बोल रहा हूँ कौन दिखा हुआ है बिल्कुल है बिल्कुल सही बात है मैं झूठ को नहीं बोलूं मैं एक किनार पर चल रहा हूँ रोड भी कड़े चलनी से आ नीचे चले या रोड पर चले तो खटे बागे ये उसका एक अपड़ो साधन भारी है छोटोड़ था मते ही डर पर कर ले यही बात है तो साधन डिवाइडर तोड़ रहे ना सीखे शर्म को ना थोड़ी बहुत है कती सवारी बस में कती सवारी बस भी पूरी भरेड़ी है पूरी भरेड़ी है बस पूरी 40-45 सवारी हां 40-45 सवारी अरे ठीक गड़ी अरे सगड़ी गिनी में अरे मैं बागो जवाबदार हूं मैं कैस कूं अरे मन मार रहा तो अरे पेट्रोल में कैमरा लाग रहे हैं बड़े चेक कर लियो बिग बाद में अपन एम्बुलेंस ना फोन कर क्यों पूछा नहीं बट टेम्पो में टेम्पो ए व्यवस्था करी मैं तो खुद अपने परेशान मैं तो खुद का खून आ रहा है बस में बस कर लिया टेम्पो टेम्पो आयो बे मैं जल्दी से बिठाया मन 2-3 सवार देखो सब बड़ी बात है कि ए बी स्थिति भी हूर है ना सगड़ो अक भी देखो चोट आई है पूरा पक्का देखो अक भी चोट लाग रही है चारों मेर अठिन भी लाग रही है थे भी फर्स्ट एड ले मेडिकल के ऊपर पहली आराम हूँ जार बड़े बड़े हॉस्पिटल जरूरी होगा पहली कोई ज्यादा चोट आई कुछ ज्यादा लगी एक साइड मैं सोचो कि बस को ड्राइवर वो है हाँ जहाँ मुझको ढिना दू अखीर मजा ए बोले भाई जी मैं टेम्पो को ड्राइवर हूँ भाई कोई बात हूँ आका लागे ना तो साइड में होगा अरे बस ये सवारी पड़ी नीचे पान में उठाया तू आ दे अरे रुका है गाड़ी मांगो भाई जान हॉस्ट में ले जाओ थे मान में थे और भी कोई मौजूद हो जी टाइम पर घटना पर भाई साहब अटैया राम राम जी नहीं मैं पीछे सवारी हो बस के पीछे हो बस अटे पटक नो टेक रही और अति रफ चला रही हो गाड़ी वालों और अति दूर का मान जा रहा हूँ टेम्पो पलटी खाड़ो हो तो टेम्पो ने उठायो अभी दुब रहा भाई साहब भी आएगा दो लेडीज ही एक बच्चो अच्छा तो बंद हॉस्पिटल में पूछा यही और एकदम रफ चला रही हो
तो प्रशासन है, आरटीओ है, जखा भी है, ओवर स्पीड जखी है गाड़िया, बड़ी गाड़िया है, और वे कह रहे छोट की गाड़िया को तो नाम लगा दे है, बड़ी गाड़िया चल रहा है कठिन आवे है, तो छोट की गाड़िया ने भी तो जगह चाहे चालवान है, यह थोड़ी है कि बड़ी है जना सकली ऊपर करी जा रोड के ऊपर, तो बड़ा साधन साहब छोटा साधन तो परे चलना है। मोटरसाइकिल सुनो, मोटरसाइकिल यहाँ चलना जना कोई मारा बाप की रोड है न, तो डिवाइडर देखे न रोड देखे, अठिन घुमा दी तो अठिन घुमा दी, अठिन घुमा अठिन घुमा दी, नहीं फिलहाल बस है और भिड़ंत हुई। एक बार हम कहीं एक बार हम बताओ, एक है मेरी बात सुनो, आ सरकारी रोडवेज है, हैं एक को काम है कि जनता की सेवा करा है, को नहीं बताओ थे मीडिया का है ना, तो आराम से है ना कर्मचारी हो बढ़िया, अरे बहुत बढ़िया बात है भगवान, पर प्रशासन और रोडवेज का भी कर्मचारी बाग काम वो बने है कि आपा जकी सुविधा राजस्थान सरकार अपन दे रहा है रोडवेज की सेफ्टी सकी राखनी सेफ्टी बिल्कुल, और पैसेंजर है बे अब दूसरी रोडवेज पकड़ पकड़ जा रहा है, और टेम्पू हो जो वो टेम्पू हो मतन वो भी दिखा दू, वो टेम्पू हो पूरो पलटी खागो, वो पूरो ही पलटी खागो, पूरो पलटी खागो पूरो, और सवारी नीचे दबगी पूरी नीचे दबेगी, कत्ती सवारी पांच पांच सवारी पांच सवारी, और ये भी कौन केस का कई कमाए ने ज्यादा सवारी या फिर कोई लापरवाही, बिल्कुल तीन और तीन, बिल्कुल तीन और तीन छह सीटर है और छह सवारी बैठ सका जना, ज्यादा सवारी भी कोनी है, भी कोनी के टेम्पू चालक की कोई लापरवाही है टेम्पू चालक, और कम से कम एक घंटो अटो हो चुके पुलिस प्रशासन या कोई ना फोन करियो ना एम्बुलेंस वगैरह कोई ना भी करियो ना सदर में अठे उद्योग नगर लागे अठे तो कौन तो लागे हां उद्योग नगर लागे सदर वही करियो पुलिस ने अच्छा नहीं एम्बुलेंस ने कोने करियो बिन तो डायरेक्ट बारे टेम्पू में डायरेक्ट तुरंत डायरेक्ट टेम्पू में आता टेम्पू में बिल्कुल, तो भाई बात है कि एम्बुलेंस और प्रशासन को इंतजार करता तो शायद अनोनी बड़ी हो जाती, और रोडवेज की सवारी है जबकि दूसरी रोडवेज हूँ आ है झुंझुनू डिपो की रोडवेज है गवर्नमेंट रोडवेज बोले ना लग्जरी भाई, और ताईजी भी ताईजी थे बस में ही आगे, तो बस की साबु ज्यादा तेज चला रहा किया मान क्या ब्रो, तो बस में बैठे आना था बता थे तो बता कोई हो ये बता काम में ताई जी थोड़ा सा शर्मा हुआ है बोलता ताऊ जी आगे बस में आ दे बस, तो बस तेज चल रही है की साबू ठीक ठीक थी बहुत तेज नहीं थी या फिर मायने मतलब आ लग्जरी है जना या लागे पता नहीं चला उसका अच्छा अंदर बैठे ना बेरो कौन पड़े नहीं बिल्कुल आ डिलक्स बस है और नई रोडवेज की बस है एसी की जना वो फील को नहीं हुआ है बा यार आई स्पीड अगर बाग पुरानी रोडवेज में होती जना बेरो पड़तो क्या फील हो जाता फील हो जाता फील हो जाता तो लापरवाही जकी वो एक्सीडेंट हुयो पिक मायने की लागे बस ड्राइवर बस को साइड में काट रहा था तो टेम्पो के लगे जो पलटी खा गया तो मतलब स्पीड में ही जना ही कंट्रोल को नहीं हुयो ऑटो टेम्पो पीछे से आ रहा था इसने अचानक काटी साइड में ली पीछे से लगी इसकी तो टेम्पो पलटी खा गया बस है डिलक्स बस है का ड्राइवर कंडक्टर कटे है बन पूछ से हवा बातचीत करा हां भाऊ ड्राइवर साहब तो मैं बठिन बैठा है और कंडक्टर साहब है जगह मन नजर को नहीं आ रहा कठिन है कंडक्टर साहब आगन गया बे सवारियों को इंतजाम कर रहा है आ डिलक्स बस झुंझुनू की है पिलानी जयपुर और अठाऊ देख सको इस गांव वो ठरको लागियो है वो अठाऊ दी है और इस गांव दी है तो गनीमत है कि कोई के जान माल की नुकसान को नहीं हुयो छोटो हादसो हुयो लेकिन ओवर स्पीड बचबो बहुत जरूरी है स्पीड बती चलाओ और वो तो शहर है अठे तो 30-40 क्योंकि आप पिपराली रोड के आरटीओ ऑफिस की रोड है जयपुर और झुंझुनू को बाईपास है और आ बाईपास रोड है इसका मतलब एक हर एक सेकंड में गाड़ी चला है और जता भी साधन है बड़ा है छोटा सगड़ा चला है देख सको ट्रैफिक की साबू है तो अठे तो 30-40 की स्पीड हूँ ज्यादा साधन चालनो भी नहीं चाहे और कंडक्टर साहब है बन ढूंढू मैं दिखानी लाज जा तो कठिन राम राम जी कहीं पूरी बात हुई साहब आगे टेम्पो चल रहे हो ले लीजिए ड्राइवर के साइड में गाड़ी आ गई अब अचानक ब्रेक लगाया ब्रेक लग गया कोनी तो टेम्पो पे लग गया अच्छा बे बता रहा है ओवर स्पीड में गाड़ी नहीं ओवर स्पीड तो साहब इतना ट्रैफिक चल रहा है यहां कहां ओवर स्पीड हो एक दो और भी मिला है कि पीछों भी लगातार तेज ही गाड़ी आ रही है बटों भी खींच रही है पीछे टिकट काट रहे इतना पता होने लेकिन मुझे बाहर है ना वो टेम्पो के ऊपर लग गई तो प्रशासन को बातचीत हुई वही है हमारा अधिकारी यार अधिकारियों बात हुई है तो ए आई कह रहा है कि बड़ी गाड़ी है लग्जरी गाड़ी है जना गड्ढे ने गड्ढे ड्राइवर साहब ओवर स्पीड में चल रहा नहीं ओवर स्पीड तो साहब ट्रैफिक आज इतना ट्रैफिक चल रहा है ओवर स्पीड कहां है ओवर स्पीड हो गया कोनी तो फिलहाल टिकट का वो रिटर्न कर रहा हूं रिफंड कर रहा बिल्कुल तो आई है कि
जखी स्पीड है बा मेंटेन रह कर चालनी हो तो हादसों बड़ो को नहीं हो नहीं घटा ना घटा नुकसान है जो बड़ो उसको तो सावधानी हटीर दुर्घटना घटी आई रोड की कहानी है तो कोई अपना आप मत इस मार खान न समझ आरामू है जो यात्रा करो रोड के ऊपर। धन्यवाद। राम राम साहब।